आपको बता दें कि हरियाणा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं को मिलेंगे प्रमुख पद। चुनाव के दौरान कई कार्यकर्ताओं ने किया था भीतरघात। इस वक्त हरियाणा से बड़ी खबर, जहां भीतरघात करने वाले कार्यकर्ताओं को नहीं मिलेगा कोई पद। चुनाव में पार्टी का साथ देने वाले कार्यकर्ताओं को मिलेगा सम्मान। वक्त हरियाणा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं को मिलेंगे प्रमुख पद। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा कर रखेंगे। प्रवीण, देखिए, बीजेपी ने बागियों के लिए जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए हैं। जितने भी नेताओं ने भीतरघात किया है, बीजेपी ने उनकी लिस्ट जारी की है और वापसी पर जो है वो रोक लगा दिया है। क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? कुछ हटके करती है और उसी को लेकर अब हरियाणा प्रदेश की जो बारी चल रही है उसमें कार्यकर्ताओं को मान सम्मान को लेकर वो तैयारियां शुरू हो चुकी है, क्योंकि सरकार का गठन हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा के प्रदेशवासियों ने जो प्रचंड बहुमत जो भाजपा सरकार को दिया था, कहीं ना कहीं अब कार्यकर्ताओं को भी काफी एक उम्मीद है, क्योंकि वो भी बहुत लंबे समय से हरियाणा प्रदेश के चुनावों में भाजपा पार्टी के तमाम कार्यकर्ता समर्पित होकर लगे रहे थे, क्योंकि चुनाव के दिनों में अक्सर भाजपा के जो कार्यकर्ता वो डोर टू डोर लोगों से मिले हैं, बातचीत भी करी है और लोगों को भाजपा की योजनाओं की जो थी वो भी तमाम उसकी जानकारी से उन लोगों को आगे मतलब अपनी तरफ ली है कि ताकि वोटर अपनी तरफ आ सके। तो उसको लेकर अब कार्यकर्ताओं में काफी जो है उम्मीद की किरण थी, वो भी काफी लंबे से चाह रहे थे कि अब सरकार का गठन हो चुका है और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बन चुके हैं और सबसे बड़े मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुके, तो कहीं ना कहीं अब कार्यकर्ताओं की बारी है। उनके भी काफी उम्मीद है, कयास है कि अब कहीं ना कहीं सरकार की ओर से उन्हें मान दे और उनको जो है कहने की सरकार में कहीं अच्छा पद मिलेगा। तो उसको लेकर अभी काफी चेयरमैन के जो आयोग के जो पद है और जो कई महकमों के ऐसे जो पद है अभी तक खाली पड़े रिक्त पड़े हैं, उनको भरने के लिए सरकार प्रयास करेगी। लेकिन पार्टी संगठन का कहना है कि जो बागी कार्यकर्ता थे उनको उनके लिए तो दरवाजे बिल्कुल बंद हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास वही प्रदेश के जो भाजपा के अध्यक्ष मोहन भडोली का कहना है उनके पास पूरी लिस्ट इस समय है कि किस किस कार्यकर्ता ने मेहनत करी और कौन कौन कार्यकर्ता ये कहते दिखाई दिए थे कि अब तो कांग्रेस की सरकार आ रही है भाजपा की नहीं आएगी। तो इस तरह की तमाम चीजें जो है वो मोहन भडोली के पास पूरी है, उनका कहना है कि मेरे पास उनकी पूरी लिस्ट है, लेकिन उन्हीं को मान सम्मान मिलेगा सरकार में भी। बिल्कुल, देखिए ये तो है ही प्रवीण जी, बहुत सारे नेता जो है नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस का रुख अपनाया था, लेकिन बीजेपी का कहना है कि बहुत सारे ऐसे भी नेता थे जिन्होंने पार्टी में रहकर भी उम्मीदवारों का विरोध किया था और चुनाव को खराब करने की कोशिश की थी, उन पर भी एक्शन लेते हुए बीजेपी जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल अवंती, भाजपा के मैं पहले कह चुका हूँ भाजपा का एक अपना स्टाइल है काम करने का, वो बिल्कुल कार्यकर्ताओं को समर्पित होकर काम करते हैं। तो इस अगर हम इस चीज को लेकर भी बात करते हैं तो इसमें भी तमाम जितने भी बागी थे, चाहे वो सत्ता में रहकर भी अगर उन्हें बगावत करिए तो उनके लिए तो रास्ते पहले से बंद कर देते थे, लेकिन जो चुनावों के दौरान जिन्होंने खास करके बगावत करी है उनके लिए तो बिल्कुल ही बंद कर दिए गए, क्योंकि जो पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी में शामिल हो गए थे उनको कह रहे थे कि कांग्रेस की वापसी हो रही है, तो उनके लिए तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है, क्योंकि वो ऐसे समय में मझधार में उनको छोड़कर चले गए थे। लेकिन ये तो अच्छा रहा कि सरकार कहीं बन चुकी है तो उसको उनको काफी सहारा मिला है। तो अब बागियों के खिलाफ बिल्कुल जो है पार्टी बिल्कुल एक तरफ होकर काम कर रही है और बहुत जल्द इसकी लिस्ट भी लगभग जिसे कहते हैं फाइनल हो चुकी है, जो जिन कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ बैठाना है या संगठन में बैठाना है उनका सम्मान करना है, तो उनकी अब बारिश शुरू हो चुकी है और उनकी अब खुशी के दिन आ गए हैं, क्योंकि वो भी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि लगातार संगठन के साथ काम कर रहे, तो कहीं ना कहीं उनका श्रेय पूरा जाता। तो उसको लेकर तमाम तैयारियां अब पार्टी की ओर से शुरू हो गई है, तमाम जो है जो संगठन की ओर से भी ऐसे जो कार्यकर्ता है उनको अब सम्मानित करने का समय आ चुका है और अब ही उनको सम्मानित किया जाएगा और अच्छे अच्छे पदों पर उनको बैठाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में इनके साथ फिर से चलना है, क्योंकि फिर 5 साल के बाद चुनाव आने, अगर अभी अगर इनके साथ कहीं अगर कहीं बिगाड़ खाता हो जाता है तो स्वाभाविक है आने वाले 5 साल के बाद जो चुनाव हो गए कहीं यही लोग फिर कहीं से नुकसान ना दे दे। तो इसलिए सरकार बिल्कुल एक एक कदम फूंक कर चल रही है कि ऐसे को सबको साथ लेकर चला है जिन्होंने चुनाव के दौरान पूरी मजबूती से उनका साथ दिया। जी अवंतिका, बिल्कुल, देखिए साथ ही साथ ये इससे तो ये क्लियर हो जा रहा है कि जो भी नेता जो ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव के टाइम भरपूर सहयोग किया अपने पार्टी को, उनका हौसला भी बढ़ेगा और बीजेपी का भी यही कहना है कि ये सख्ती जो है वो जरूरी थी।
बिल्कुल सही कहा अवंतिका कि जो जिनको सम्मान मिलेगा, जिन कार्यकर्ताओं को सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा, तो स्वाभाविक है उनका तो कहीं ना कहीं कद तो ऊंचा होगा, और उसके साथ उनके साथ अन्य भी जुड़े हुए। हरियाणा प्रदेश में जो है इस समय कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है, और नए लोगों को जोड़ने का एक अभियान चला हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा भाजपा पार्टी में कार्यकर्ता जुड़ के और मजबूत और सशक्त पार्टी को बनाया जा सके। लेकिन ये सच बिल्कुल सही कहा है आपने कि अगर जो जिनको मान सम्मान मिलेगा वो स्वाभाविक है, वो एक के साथ 10 लोगों को जोड़ कर चलेंगे, क्योंकि वो साथ वाले ये भी देखेंगे कि जब इस साथी को सत्ता में सम्मान मिल सकता है, या यूं कहे कि जो सरकार की ओर से जो सम्मान मिला तो उनको भी कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो इस तरह की तमाम चीजें जो है वो अन्य को भी, अन्य लोगों को भी काफी प्रभावित करेगी, तो उसको लेकर ये बड़ा अच्छा मैसेज आएगा। तो सरकार के सार्थक पहल है, वो बहुत जल्द अब इन लोगों को सम्मानित करने जा रही है, और जिसकी एक लिस्ट भी तैयार हो चुकी है, क्योंकि संगठन का काम है, संगठन की लिस्ट आनी बहुत जरूरी है, और उन्हीं के मुताबिक इस पर काम किया जाएगा। तो उसकी लिस्ट लगभग जो सूत्रों से जानकारी है वो पूरे प्रदेश की लिस्ट जो है पूरी बन चुकी है, किन किन साथियों को अपने साथ लेना है और किन के बिल्कुल दरवाजे बंद करने हैं, और जिन जिन्होंने खास करके दोनों समय में, टिकट के समय में भी और चुनावों के दौरान में जो पूरी बगावत का जो रुख अख्तियार किया था, तो उनके तो रास्ते पूरे बंद कर देंगे। लेकिन अब नए साथियों को और उनको पूरा सम्मान मिलेगा जो पार्टी का समर्पित होकर चले हैं, और आगामी जो जो अब इस प्रदेश में जो निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर भी पार्टी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तमाम जो कार्यकर्ता वो भी अब पूरे मैदान में आ चुके हैं, क्योंकि जो निकाय के चुनाव हैं वो काफी लंबे समय से रुके हुए थे, उसकी भी पार्टी तैयारी कर रही है। तो सरकार भी ये चाहेगी कि कार्यकर्ता को निराश अगर कर दिया जाएगा तो यही कार्यकर्ता फिर वहां आगे नहीं पहुंच पाएंगे, तो अब उनको सम्मान देने का जो समय है अवंतिका वो बिल्कुल आ चुका है। जी अवंतिका जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, बीजेपी ने जो है अपने बागी नेताओं के लिए बीजेपी पार्टी के जो दरवाजे हैं वो बंद कर लिए हमेशा के लिए, उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है और उन्हें वापसी पर जो है उनकी रोक लगा दी गई। वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें जो समर्पित कार्यकर्ता है, तो उन समर्पित कार्यकर्ताओं को प्रमुख पद भी दिए जाएंगे और साथ ही साथ पार्टी के द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा।